सो तो देश सुगला है केमिस्ट्री क्लास 12 को प्राणी मांसु कुमार ताल उन दोस्त फूल ले चली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपेक नेम लिखेंगे। देखिए दोस्त यहाँ पे बोल रहा है यूपेक नेम लिखिए निम्नलिखित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो क्वेश्चन नंबर ए ये कैथेरी है दोस्त। देखिए दोस्त ये घर है, घर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और घर के अंदर दो कोर चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ रहती है। तो यहाँ पर दोस्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो कोर रहता है, एक आपका सेंट्रल मेटल एक आपका लिगेंड रहता है। ये जो तीन है ना ये तीन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये देखिए घर के बाहर जो होता है दोस्त उसका हो जाता है एनकाउंटर। इसे घर के बाहर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर आता है उसको बोलते हैं हम दोस्त काउंटर आयन। देखिए दोस्त इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमको यूपेक नेम लिखना है। सबसे पहले के थ्री मिला तो यहाँ पर लिखिए दोस्त के थ्री का नाम हो गया पोटेशियम, यहाँ पर लिखिए पोटेशियम। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच भी हम लोग थोड़ा सा गैप देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिए, अब घर के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल लिगेंड है। तो सेंट्रल मेटल लिगेंड में सबसे पहले हम लोग फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो C2O4 को दोस्त लिगेंड के रूप में ऑक्सलेटो बोलते हैं, तीन बार है तो ट्राई ऑक्सलेटो बोलेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त ट्राई ऑक्सलेटो। और ध्यान रखिएगा दोस्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। जो ये के थ्री है वह मेरा पॉजिटिव पार्ट, ये जो घर है वह मेरा नेगेटिव पार्ट। जब सी आर हमारा पॉजिटिव पार्ट में होता तो उसको क्रोमियम बोलते हैं, लेकिन जब सी आर हमारा नेगेटिव पार्ट में तो उसको क्या बोलेगा क्रोमेट। क्या बोलेगा दोस्त क्रोमेट, यहाँ पर लिख दिया हम क्रोमेट। अब देखिए दोस्त क्रोमेट का हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखता है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा क्रोमियम का, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है तो यहाँ पर लिख दिए प्लस वन। तीन एटम है तो गुना तीन लिख दिए, क्रोमियम का निकालना है तो एक से लिख दिए। C2O4 देखिए दोस्त हमेशा C2O4 टू माइनस के रूप में पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। तो C2O4 के मुंडी पर दो माइनस है तो ऑक्सलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस दो हो गया, यहाँ पर लिख दिए माइनस दो। तीन एटम है तो गुना तीन लिख दिए, मुंडी पर जीरो चार्ज है तो बराबर कर दिए जीरो। अब जो तीन प्लस एक्स माइनस छह तो माइनस छह में तीन माइनस तीन, एक्स माइनस तीन बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर हो गया तो प्लस तीन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस तीन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखते हैं, तो रोमन में जो तीन तो खड़ा लाइन कर देंगे योग्य थ्री। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका दोस्त पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थ्री। नेक्स्ट कंपाउंड मेरा ये दोस्त घर के बाहर ये के थ्री तो इसको बोलते काउंटर आयन। घर का नाम हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये के सेंट्रल मेटल ये हो गया साइनो चाहे साइनाइड, ये आपका लिगेंड है, ये जो आपका छह दोस्त ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दोस्त नाम लिखते हैं, के थ्री का नाम हो गया पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम लिखी। बहुत सारे बच्चे दोस्त ट्राई पोटेशियम लिख देता, देखिए उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डाई ट्राइजेले दिखाई नहीं जाता। जैसे देखिए AlCl3 के नाम लिखता है एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड उसको नहीं बोलते, MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम डाई क्लोराइड नहीं बोलते। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाई ट्राई का जनरली बहुत कम ही यूज होता है, तो फिलहाल K3 को ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेगा सिर्फ सिर्फ पोटेशियम लिखिएगा। फिर काउंट जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा गैप दे दिए हम लोग दोस्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो छे टू साइनो है, यहाँ पर लिखे दोस्त हेक्सा साइनो। CN को लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते हैं। अब देखिए दोस्त के थ्री मेरा पॉजिटिव पार्ट में है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा नेगेटिव पार्ट में, तो Fe अगर पॉजिटिव पार्ट में हो तो आयरन बोलते हैं, लेकिन Fe आपका नेगेटिव पार्ट में तो उसको फेरेट बोलते हैं। यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखिए दोस्त फेरेट। अब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर को दोस्त हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा दोस्त। पोटेशियम आपका ग्रुप वन का एलिमेंट है इसलिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है। तीन एटम है तो गुना तीन कर दिए। तो जिस तरह दोस्त हम लोग अपने दोस्त से मिलने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, तो उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाने के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो एक्स मान लीजिए,
साइनोसाइनाइडोकॉक्सीलेशन अगर माइनस वन होता तो यहाँ पर ये माइनस वन छह एटम है तो गुना छह लिखी मुंडी पर जीरो चार्ज है यहाँ पर लिख दिया तो बराबर जीरो तीन था तो तीन लिख दिया एक्स था तो एक्स माइनस छह बराबर हो गया जीरो माइनस छह में तीन गया तो माइनस तीन यहाँ पर हो गया दोस्त एक्स बराबर प्लस तीन आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त तीन आया तो यहाँ पर तीन तो खड़ा लाइन लिख देंगे रोमन में। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थ्री। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दोस्त यूपिक नेम लिखना है ये घर है दोस्त इस घर को बोलते कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये सीओ ये हमारा सेंट्रल मेटल ये लिगेंड हो गया अमाइन लिगेंड पांच गो है ये क्लोराइडो लिगेंड है ये सीएल2 मेरा काउंटर आयन है। सबसे पहले हम लोग दोस्त एनएस3 को लिगेंड के रूप में अमाइन बोलते थे यहां पर लिख दिया अमाइन सीएल को लिगेंड के रूप में क्लोराइडो बोलते चाहे क्लोरो बोलते। अब देखिए दोस्त यूपिक नेम में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिख रहे हैं अल्फाबेटिकली अमाइन का ए क्लोराइडो का सी तो एबीसी अमाइन का ए आता है सबसे पहले अमाइन का रंग पांच गो अमाइन है तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्त पेंटा अमाइन क्लोराइडो एक है तो यहाँ पर चूचे क्लोराइडो लिखेंगे यहाँ पर लिखिए दोस्त क्लोराइडो क्लोराइडो के लिए आप दोस्त क्लोरो भी लिख सकते हो वो भी आपका सही है। फिर देखिए दोस्त हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखते थे शुरू में वो मेरा पॉजिटिव पार्ट होता है और जो बाद वाला है वह नेगेटिव पार्ट होता है तो सीओ पॉजिटिव पार्ट में है तो उसको बोलेंगे कोबाल्ट लेकिन सीओ अगर नेगेटिव पार्ट में होता तो कोबाल्टेट बोलते हैं। फिलहाल सीओ को दोस्त हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे यहाँ पर लिख दिए कोबाल्ट। अब यहाँ सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे घर के बाद सी एल टू है तो उसको बोलते क्लोराइड यहाँ पर थोड़ा सा गेप देख के क्लोराइड लिखेंगे। देखिए दोस्त अगर यहाँ पर गैप नहीं दीजिएगा तो यूपिक नेम आपका गलत हो जाएगा तो हमारा जो सेंटर मेटल कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हम निकालते हैं कोबाल्ट का निकालने तो एक्स मान है अमाइन एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है तो अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है यहाँ पर छूछे जीरो लिख दिए पांच एटम है तो गुना पांच कर दिए क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है क्योंकि ये हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन तो माइनस वन दिए क्लोराइडो के एक एटम है तो गुना वन कर दिए सीएल सीएल मेरा क्लोराइड है दोस्त अगर लिगेंड ग्रुप होता तब क्लोरो या क्लोराइडो बोलते लेकिन लिगेंड ग्रुप में नहीं होने की वजह से सीएल को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता तो माइनस वन लिखिए दो एटम है तो गुना दो लिखिए मुंडी पर जीरो चार्ज है तो बराबर जीरो लिखिए एक से एक लिख दिए जीरो को पांच से गुना किए जीरो आया माइनस एक माइनस दो गए माइनस तीन तो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो तो एक्स बराबर गए दोस्त प्लस तीन तो कवाल का ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त प्लस तीन आया तो तीन को रोमन वर्ग में दोस्त तीन को खड़ा लाइन लिख देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपिक नेम हुए दोस्त पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थ्री क्लोराइड। देखिए दोस्त एक बात हमेशा याद रखिएगा जितना भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपिक नेम लिखिएगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता प्लस तीन। इस तरह दोस्त फुल एचडी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपिक नेम क्या हो गया खत्म। तो दोस्त चीते की चाल बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।